बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने न्यूज पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के दिखने वाला है जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, यहाँ बात करने वाले हैं जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले, मतलब आपसे बोला था ना आप 17 से 18 क्वेश्चन जब याद करेंगे तो 85% प्लस आएगा, और यहाँ पे जो 12 से 13 क्वेश्चन याद करेंगे वो 80% हो जाएगा। और एग्जाम से पहले मैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको डालूंगा वीडियो, वो 10 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको 70% फंसेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुन लो पहले, तो समझ रहे हैं? पहले ये सुनो, देखो ध्यान से, पहले बात ये है कि आपको क्या करना होगा। देखो ध्यान से क्या करना होगा, आपको मैंने जो 17 से 18 क्वेश्चन दिए, ठीक है, उनको यहाँ पे याद कर लोगे टोटल 85% प्लस, अब आपके हाथ में भाई टॉपर बनना चाहते हो। अब मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो भाई 80% प्लस। अब मैं बात करूंगा 10 क्वेश्चनों की, 10 से 11 क्वेश्चनों की तो दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले, इन क्वेश्चनों की 70% प्लस। अब आपको बताओ आपको कौन सी चाहिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ रहे ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, सारे पेपर अपलोड कर रहा हूं तो 2022 में आ रहे हैं। आपको अब की बार बीएससी पार के साथ में टॉपर बनना है, समझ रहे ना? चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, करो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी शेयर कर दो चैनल को, फटाफट शेयर कर दो, पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी लोग हो ना आप सबको शेयर करना है दबा के, ठीक है, जितने आपने ग्रुप बना रखे हैं कॉलेजों के, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर कुछ भी कर रहा है, आप सबको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, अब सबको सब कुछ मिलेगा, नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख देना बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है बीएससी, यहाँ बोल रहा है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर की बात करेंगे और आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में छप रहा है, 100% देख लेना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये पेपर में छप रहा है, तो छप रहा है। यहाँ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका विकास और इसका योगदान क्या है उसके बारे में, और जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, वैक्सीन क्या होता है, कितने प्रकार की वैक्सीन होती है ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवंशिक यांत्रिकी, जिसे हम जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इस पर आपको निबंध लिखना है, 100% पेपर में छप रहा है, छप गया, समझ रहे ना? आपके पास आने की देरी है। एक क्वेश्चन ये भी पढ़ लेना कि भाई बोल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऊर्जा के संकट से निपटारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगा लो, ये है देखो प्रतिरोधक क्षमता के कितने प्रकार होते हैं और आपसे पूछता है कि प्रतिरोधक शक्ति होती क्या है, होती क्या है, उसके दो टाइप होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, दोनों को पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का ये सिद्धांत आपसे पूछता है कि क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत के बारे में, इलेक्ट्रो प्रोसेस का सिद्धांत क्या है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में एक्सप्लेन करना है। चलो ये क्वेश्चन पर टिक लगा लो, सहसंबंध क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य विचलन पढ़ के जाना है, मानक जीवन प्रोजेक्ट पढ़ के जाना है, लगाओ टिक। बुक नोट कैस पेपर बस छोड़ दो उनको, क्या है बस इन क्वेश्चनों को पढ़ो जो बता रहा हूं, समझ रहे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हो गया। चलो एक ये पढ़ लेना बेटा, ये वाला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम पीसीआर बोलते हैं, प्लाज्मिक वेक्टर के रूप में पूछ लेता है कभी कभी, पढ़ लेना एक बार, पढ़ लोगे बना बना के लिख दोगे, ये 100% बनेगा, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, 100% पेपर में छप रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है टिप्पणी लिख दो, जीन बैंक क्या होता है टिप्पणी लिख दो, लिखो बेटा टिप्पणी लिखो दबा के। चलो उस क्वेश्चन को देखेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया किस तरीके से होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, माध्य माध्यिका और बहुलक जिसे हम मैन मीडियम और मोड बोलते हैं, इनको पढ़ के जाना है आपको, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, और ये है देखो हाइड्रो कह सकते हैं हाइब्रोडोम तकनीकी क्या होता है, डोमा तकनीकी होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में, ये खास नहीं है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है ये,
और बाकी नीचे जाना, और नीचे जाने के बाद में ये खत्म कर देखो, ये है आंक, ये है आंकड़ों के संग्रहण संरक्षण के बारे में, इसको पढ़ लेना है, और ये वाला एक पढ़ लेना एसडीएस पेज को होता है उसके बारे में, और बाकी पीएच पैमाना क्या होता है बस इतना पढ़ लेना, काम बल्ले बल्ले, समझ रहे ना कि आपका लक अच्छा होगा, अच्छे नंबर से पास हो गए। और कोई भी क्वेश्चन वंचित रह जाता है तो आप उसको बना बना के कर देना, छोड़ के कुछ नहीं आना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो।